बिहार में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो शाम करीब 5 बजे तक जारी रहेगा। निकाय चुनाव के अंतिम चरण में आज बिहार के 17 नगर निगम सहित 68 निकायों के लिए मतदान चल रहा है। दूसरे चरण में सूबे के 23 जिलों के 7,088 बूथों पर और 286 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। निकाय चुनाव में 1,665 पदों के लिए 11,127 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। बूथों पर सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की गई है। आज पटना में निकाय चुनाव है, लेकिन उससे पहले प्रदेश की राजधानी में पुलिस की ओर से चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप पकड़ी गई है। बताया जा रहा है कि पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने मतदान के एक दिन पहले पूर्व उम्मीदवार की ओर से मंगवाई गई विदेशी शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। वहीं आपको बता दें कि पटना में निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।